Hello. Aslan, can you hear me? Walaikum salam, Aslan, can you hear me? Okay, fine. Okay. Assalamu alaikum to all the viewers जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं. माय नेम इज सदाम हुसैन मेमन एंड आई एम अ क्वालिफायर ऑफ सीएसएस 2018. आई हैव बीन रिसेंटली एलोकेटेड टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आई स्टूड थर्ड इन सिंध रूरल एंड 93rd इन पाकिस्तान. द वीडियो और द वीडियो कॉल ऑफ दिस वेरी पर्पज इज टू have a discussion on the subject essay, English essay. And I believe that many of you people will have a problem while attempting essays, or you might not be aware of the fact that English essay is one of those papers which is considered as a stumbling block in qualifying this particular exam. So I have been following this group and I have seen that there are teachers who have already taken your classes regarding English essay. So this class is not a traditional class about essay. I'll just be discussing the do's and don'ts of this particular subject. And I'll be telling you that why candidates fail in English essay, what is the reason behind it, and what are the things or what are the steps which you should take in order to avoid failing in this particular exam. So let's start about what actually essay is. जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा और आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों की जो क्लासेस हुई हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा कि ऐसे होता क्या है. तो मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे सबसे पहले स्टार्ट लेना चाहूँगा के वाई कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश एसे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. अब देखें, आप इस चीज को समझें कि देर आर सर्टेन डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से एक कैंडिडेट इस एग्जाम में फेल होता है और पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में फेल होता है. अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो एग्जामिनर है इंग्लिश एसे का, वो आपको खुद बताता है हर साल दैट वाई यू फेल इन इंग्लिश एसे. ये कोई मेरी बात लिखी हुई नहीं है, ये किसी और मेंटोर की बात लिखी हुई नहीं है, बल्कि दिस इज समथिंग विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जामिनर हु चेक्स योर पेपर, हु इवैल्यूएट्स यू, और वही आपको फेल या पास करता है. अगर आप पिछले कुछ सालों में एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ें जो कि हर साल एफपीएससी पब्लिश करता है, तो उसमें एक चीज बहुत क्लियरली बताई गई है एग्जामिनर की तरफ से, एंड दैट इज दैट कैंडिडेट्स फेल बिकॉज दे राइट व्हाट दे नो. They don't write what is asked. सबसे पहली चीज. अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और elaborate करूं, तो इसका मकसद ये है कि जो एक candidate होता है वो चीज लिखता है जो उसको पता होती है, वो नहीं लिखता कि जो उससे पूछा गया होता है. इंग्लिश ऐसे का भी बिल्कुल ऐसे ही है. अब यूजली क्या होता है कि कैंडिडेट्स एक टॉपिक देखते हैं. अब जैसे कि एक टॉपिक है जो कि 2018 में भी आया था, दैट वॉज the future of democracy in Pakistan, the democracy in Pakistan, hopes and hurdles. अब जो candidates ऐसे को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसको prepare करते हैं, उनको पता होता है do's and don'ts का, they know कि ये जो ऐसे है ये सिर्फ democracy in Pakistan पे नहीं है, rather it is on the future hopes and hurdles के future में क्या hopes हैं, अभी क्या hope है, और फिर future में इस पर क्या hurdles आ सकती हैं और अभी क्या hurdles हैं. 20-80 का रेशो होता है. लेकिन जो एक कैंडिडेट, जो एक फ्रेश कैंडिडेट है, उसको एज सच कुछ नहीं पता ऐसे की प्रिपरेशन के हवाले से, उसने नहीं की हुई प्रिपरेशन एंड ही रैंडमली अटेम्प्ट्स इट, तो उसका जो प्राइमरी फोकस होगा दैट वुड बी ऑन द पार्ट द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, रादर ऐसे है ही नहीं इस पे. तो ये चीज जो है, ये चीज कैंडिडेट को फेल कराती है. अगर इसको मैं दूसरे अल्फाजों में बोलूं
तो वो है कि कैंडिडेट टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो टॉपिक में जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है उस पर वो पूरा नहीं उतर रहा था, नंबर वन थिंग। उसके बाद दूसरी चीज जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं इन इंग्लिश ऐसे, देखिए मैं बिल्कुल ही स्पेसिफिकली इंग्लिश ऐसे पे बात कर रहा हूँ आपसे, कि जो दूसरी बात जिसकी वजह से कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होते हैं, दैट इज द रिटन एक्सप्रेशन। अब देखें, ये हम एक कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, यू पीपल आर लिसनिंग टू मी। अब इसको मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि मैं आपसे बिल्कुल सिंपल उर्दू प्लस इंग्लिश में बात कर रहा हूं और आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब अगर मुझे ये सारी बातें पता हैं क्योंकि मैंने एक इस एग्जाम को पास किया हुआ है, तो अगर अब ये बातें तो मुझे सारी पता है, लेकिन इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू कन्वे द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस एग्जाम टू यू, अगर मैं ये सारी बातें आपको कन्वे नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब यह है कि हमारे बीच में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, एक कम्युनिकेशन गैप है। अब ऐसा होता है कि पेपर जो होता है इंग्लिश ऐसे का, उसमें जो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है दैट इज योर रिटन एक्सप्रेशन। आप अपने आइडियाज, आप अपनी थॉट्स इंग्लिश एक्सप्रेशन के थ्रू या इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एग्जामिनर से। मींस वहां पे आपका जो पेपर होता है बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद द एग्जामिनर, और एग्जामिनर को या तो इस बात के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा होता है कि वो आपको पास करे, या तो वो इस बात के लिए उसको मजबूर कर रहा होता है कि वो आपको फेल करे। ठीक, क्लियर, बहुत क्लियर सी बात है। यहाँ पे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, सर्टेनली अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं अगर अपनी बात आप तक बिल्कुल ठीक पहुंचा सक रहा हूँगा, तब ही आप इस बात को सुनेंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको इस तरह का फील होगा कि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाए और आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे या मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली इस वीडियो को देखने का मकसद ही नहीं रहेगा। तो एग्जामिनर इस बात पे भी फेल करता है कि आप उसको अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे होते। आपको आइडियाज तो पता होता है, जाहिर सी बात है बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ सीएसएस आपको चीजों का पता तो होता है, नॉट इवन सीएसएस कैंडिडेट होने के बजाय, लेकिन आप हमारी पाकिस्तान में रहते हैं, आप न्यूज को फॉलो करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इवन सोशल मीडिया को देखते हैं। सोशल मीडिया इज वन ऑफ दी बेस्ट सोर्सेस ऑफ न्यूज और सच थिंग्स, तो आप उस चीज को देख रहे होते हैं, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, आपके पास नॉलेज तो होती है, लेकिन बात क्या है कि आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे होते। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये भी कैंडिडेट को फेल करवाता है। इसको अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाजों में कहें तो वो है द रिटन एक्सप्रेशन, द वीक रिटन एक्सप्रेशन। उसके बाद तीसरी चीज जो एक कैंडिडेट को ऐसे के पेपर में फेल करवाती है, दैट इज जनरलाइज्ड आइडियाज। अब जनरलाइज्ड आइडियाज क्या होते हैं? जनरलाइज्ड आइडियाज ये होते हैं, देखें आप इस चीज को समझें कि एग्जामिनर, अच्छा पहली बात तो ये कि आप इस चीज को भी समझें कि यूजुअली पीपल बिलीव दैट इंग्लिश एसे इज द टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर तो इंग्लिश एसे वुड हैव बीन द टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज, देयर वुड हैव बीन नो यूज ऑफ टेकिंग अ सेपरेट पेपर व्हिच इज इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन फॉर इंग्लिश। इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन इज अ पेपर वेयर योर इंग्लिश लैंग्वेज इज टेस्टेड, वेयर इट इज टेस्टेड दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ अ कैंडिडेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर इज इंग्लिश एसे इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि वहां पे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होना बहुत जरूरी है। तो तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं, वो है जनरलाइज्ड आइडिया। अब जनरलाइज्ड आइडियाज क्या होते हैं? देखिए आप हमेशा याद रखें कि एक चीज के लिए जनरलाइज्ड आइडिया का मतलब ये है कि जैसे कि एक यूजुअली एक बहुत ही आजकल हमारे यहाँ बहुत डिबेट चल रही है, आप भी उस डिबेट का हिस्सा होंगे बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ सीएसएस, वो डिबेट ये है कि हमारे इकोनॉमी के मसले क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज विथ आर इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी के मसले क्या हैं, क्यों हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, क्या मसले मसाइल हैं। तो यूजुअली जो मुझे आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसएस, मुझे जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होने को मिला है, कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन होने को मिला है, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विथ एन अकेडमी, वहां पे मुझे यूजुअली जो चीज मैंने वहां पे ये जब सवाल पूछा कि हमारी इकोनॉमी के क्या मसले हैं, जो मुझे यूजुअली चीज सुनने को मिलती है दैट इज कि हमारी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा मसला है दैट इज करप्शन। अगर हम देखें इसको इकोनॉमिक टर्म्स में, तो करप्शन हमारी इकोनॉमी का मसला है ही नहीं। ठीक है, देर आर सर्टेन डिफरेंट इशूज लाइक ट्रांसपोर्टेशन
ट्विन डेफिसिट है, लो डायरेक्ट टैक्स और लो डायरेक्ट टैक्सेस, नंबर ऑफ हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड देन देर आर सर्टेन सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो कि पॉलिटिसाइज हैं, वगैरह वगैरह, देर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ दिस। अब आप जब अपने ऐसे में अगर हम सपोज कहते हैं कि आपका ऐसे है इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान और द प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें आप अगर एक जनरलाइज्ड आइडिया लिखेंगे दैट इज करप्शन और एनीथिंग सच रिलेटेड टू करप्शन, क्योंकि बहुत जनरलाइज्ड आइडिया है, तो उस पे आपको एग्जामिनर कभी भी मार्क्स नहीं देगा। रीजन बीइंग कि आप हमेशा याद रखें कि स्पेशलाइज्ड जो आइडियाज होते हैं ना, वो आपको मार्क्स फैच करवाते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि एग्जामिनर इरिटेट होता है, और इरिटेट होने के बाद जाहिर सी बात है आपकी कोई आर्ग्यूमेंट, आपका कोई एग्जाम्पल या आपका कोई जनरलाइज्ड आइडिया जो कि एग्जामिनर को इरिटेट करेगा, तो फिर इट इज हाईली अनलाइकली कि वो आपको इतने मार्क्स देगा कि आप उस एग्जाम को या उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इजीली क्वालिफाई कर पाए या उसको पास कर पाए। चौथी चीज जिसकी वजह से एग्जामिनर एक कैंडिडेट को फेल करता है या जो कैंडिडेट खुद को फेल करवाता है, दैट इज द इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। अब यूजुअली ऑल्दो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, कि एक प्रॉपर हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि जिसको आपको फॉलो करना हो और आप उसको फॉलो करते 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 चले जाएं और आप पास होंगे, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग एसे, बट यस देयर आर सम डूज एंड डोंट्स ऑफ एन एसे। अब जैसे कि आपको पता होगा, आप लोगों ने यकीनन क्लासेस ली हैं, उसमें आपको बताया गया होगा कि एक ऐसे का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब मैं उस चीज पे आता हूँ जो यूजुअली कैंडिडेट इस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं, एंड दैट इज दैट आप जब एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं एक ऐसे में, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ वेरी क्लियर थॉट अबाउट इट दैट वन पैराग्राफ इज वन आइडिया। क्लियर? यूजुअली क्या हो रहा होता है कि हम एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा आइडियाज को डिस्कस कर रहे होते हैं, और इस वजह से जब एक से ज्यादा आइडियाज को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो जो पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है या ऐसे का जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक पैराग्राफ में हमें एक आइडिया को डिस्कस करना होता है, वो वॉयलेट हो रहा होता है रूल। और क्योंकि हम इतने अच्छे भी नहीं होते कि हम एग्जामिनर को पीछे से जो लिखते हुए आए हैं, आउटलाइन हो गई, हमारी इंट्रोडक्शन हो गई, वहां एग्जामिनर को हम इतना इम्प्रेस कर दें कि एग्जामिनर हमारी इस मिस्टेक को ओवरलुक कर जाए, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो फिर ऐसा क्या रहा होता है कि एग्जामिनर हमें हमारे उस आइडिया की वजह से, उस वॉयलेशन की वजह से भी एग्जामिनर इरिटेट हो रहा होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज या पांचवी चीज जो है जिसकी वजह से एक कैंडिडेट ऐसे के पेपर में फेल होता है, दैट इज नो प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन का एक प्रॉपर रूल है कि इंट्रोडक्शन इज द एंटायर प्रेसी ऑफ योर एसे, कि इंट्रोडक्शन में आप अपनी पूरा ऐसे एग्जामिनर को कन्वे कर रहे होते हैं कि आज हम इस ऐसे में क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज को कन्वे नहीं कर पा रहे होते अपने इंट्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली क्योंकि उसका काम ही ये है इंट्रोडक्शन का कि एग्जामिनर को अपनी बात कन्वे कर सके, अपना जो आइडियाज हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, वो उसको कन्वे कर सके। जब उसको वो चीज कन्वे ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एक एग्जामिनर एक कैंडिडेट को मजबूरन फेल करता है। देखिए, ये थॉट आप अपने जहन से निकाल दें कि एग्जामिनर फेल करता है। एग्जामिनर कभी फेल नहीं करता, एग्जामिनर से आप खुद अपने आप को फेल करवाते हैं। दिस इज वेरी ऑब्वियस और इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आप या तो खुद पास होते हैं या तो आप खुद फेल होते हैं। देयर इज एग्जामिनर की ना आपके साथ कोई दुश्मनी है और ना ही आपके साथ कोई मसला मसाइल है जिसकी वजह से वो आपको फेल करेगा। तो ये तो वो कुछ चंद चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि एक एग्जामिनर या एक कैंडिडेट खुद को फेल करवाता है। अब हम आते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो एक कैंडिडेट को अपने नजर में रखनी चाहिए या उस एक कैंडिडेट को वो चीजें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दैट पॉइंट, अगर यहां तक आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, वरना हम आगे मूव ऑन करें। कोई सवाल नहीं है, आगे चलें। ओके फाइन, अब हम आ जाते हैं उस पार्ट पे कि व्हाट अ कैंडिडेट शुड डू इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहली चीज
कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो लैंग्वेज है वो एरर फ्री होनी चाहिए. इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इन दिस एग्जाम और इवन इन द प्रेसी एंड कंपोजिशन एग्जाम एन एग्जामिनर कैन नॉट टॉलरेट अ ग्रामेटिकल एरर और अ सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर. वो बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं करेगा. जैसे कि हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमें अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर कुछ उर्दू स्पीकिंग है उनके सामने अगर कोई उर्दू गलत बोल रहा होता है तो उनको गुस्सा आता है कि यार अगर तुम्हें उर्दू नहीं आती तो तुम ना बोलो, लेकिन इसको बोल क्यों रहे हो तुम, क्योंकि तुम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हो. इसी तरह अगर कोई सिंधी स्पीकिंग है, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, कोई बलूची स्पीकिंग है, अगर आप उनके सामने उनकी नेटिव लैंग्वेज को खराब करके बोलें तो आपको यकीनन गुस्सा आएगा. और एग्जामिनर, जब आप एग्जामिनर के सामने गलत अंग्रेजी लिख रहे होते हैं तो यकीनन एग्जामिनर को गलत गुस्सा आता है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम एसोसिएटेड विद एन एकेडमी, तो मैं अगर वहां पे लोगों के पेपर्स को इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ तो यकीनन मुझे उन पेपर्स में जब अंग्रेजी की गलती मिलती है तो मैं बहुत ही एक तरह से वो हो रहा होता हूँ, मतलब इरिटेट हो रहा होता हूँ, क्योंकि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरे इस एग्जाम की, ना सिर्फ ऐसे की, इस पूरे एग्जाम की, दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज. देखिए आप यहाँ पे समझें कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज कह रहा हूँ, करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज से हरगिज मेरा मुराद ये नहीं है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज हो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो या आपको एक इस तरह की अंग्रेजी बोलना लिखना आती हो जो कि डॉन के एडिटोरियल्स में लिखी जाती है, डॉन के ओपिनियंस में लिखी जाती है. मेरा बिल्कुल भी हरगिज ये मतलब नहीं है. मेरा यहाँ पे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपको अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को एक अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में कन्वे करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और ऐसे को भी कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज, दैट इज योर करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज. उसके बाद जो दूसरी चीज जो कि इम्पेरेटिव है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से, जो कि आपको इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए एक मैं अगर ये कहूँ कि एक ऐसा नुस्खा है जो कि अगर आप करेंगे तो यकीनन आपको एग्जामिनर बिल्कुल हरगिज फेल नहीं करेगा, एंड दैट इज स्पेशलाइज्ड आइडियाज. अब स्पेशलाइज्ड आइडियाज क्या होता है? मैं यूजुअली एक चीज बोलता हूँ कि एसे इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, दैट एसे इज सम टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग. कि आप बेशक 100 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें, लेकिन अगर आपको उस डे पे उनमें से कोई एक टॉपिक नहीं आया तो यकीनन आप परेशान होंगे. लेकिन अगर आपको ऐसे अटेम्प्ट करने का आर्ट पता होगा तो अगर आप 10 टॉपिक्स भी प्रिपेयर करें या 10 टॉपिक्स भी आप अटेम्प्ट करें, आप यकीनन ऐसे को हैंडल कर सकते हैं. आपको एक आर्ट होता है ऐसे. अब आर्ट क्या होता है और कैसे करना होता है और ये स्पेशलाइज्ड आइडियाज क्या किस भला का नाम है? देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने अपने सोशल मीडिया वाले, मैंने इस साल जो ऐसे अटेम्प्ट किया था उसमें मेरा एक आर्ग्यूमेंट था, मैं वो आर्ग्यूमेंट आपसे शेयर करता हूँ कि उसमें क्या था कि टॉपिक आप सबको पता है कि द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया कॉलन, उसके बाद था प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. उसमें मैंने एक प्रॉस्पेक्ट डिस्कस किया था कि जो सोशल मीडिया है उस पर करंटली भी एक चेक एंड बैलेंस वाला सिनेरियो है एज फार एज द जुडिशियल सिस्टम इज कंसर्न, लेकिन फ्यूचर में इस चीज के स्ट्रेंथन होने का बहुत ज्यादा मतलब एक चांस है. अब उसको मैंने सब्सटेंशिएट ऐसे किया था कि हमारी एक जुडिशियल एनालिस्ट है जिनका नाम है रीमा उमर, शी वर्क्स विथ दैट एक आईसीजे में वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करती है. तो रीमा उमर को मैं फॉलो करता था उस पे ट्विटर पे. अगर आप लोगों में से कोई ट्विटर यूज नहीं करता तो आपसे गुजारिश है कि आप ट्विटर को यूज करना शुरू करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी गुड और आपको बहुत ज्यादा चीजें वहां से मिलना शुरू हो जाएंगी. तो बहरहाल रीमा उमर वहाँ एक आईसीजे में रिप्रेजेंटेटिव है एंड शी वर्क्स देयर, और वो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे बहुत ज्यादा लिखती भी रहती हैं, उनकी जजमेंट्स पे बहुत ज्यादा कॉमेंट्री भी करती रहती हैं. बहरहाल मैं उनको फॉलो करता था. तो रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें एक स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट था. अच्छा, स्किजोफ्रेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें चीजें याद नहीं रहती. तो एक पेशेंट था, इमदाद अली उसका नाम था, ही वाज पेशेंट ऑफ स्किजोफ्रेनिया. उसने किसी पुलिस वाले को मार दिया था, मर्डर कर दिया था. इट वाज अ केस ऑफ अ मर्डर जिसमें द सेशंस कोर्ट गेव हिम डेथ पेनल्टी
which was upheld by the High Court, and then the appeal was filed before the Supreme Court of Pakistan, in which Supreme Court of Pakistan not only upheld his death penalty, but it also declared that schizophrenia is not a mental disorder. Achha, jab judgment mein ye likha gaya ke schizophrenia is not a mental disorder, to is cheez ko hamari civil society ne bahut zyada ek tarah se criticize kiya, because schizophrenia is a mental disorder which has been recognized as a mental disorder throughout the world. Pure world mein usko recognize kiya gaya hai. Behrhal, jab ye cheez civil society ne highlight ki aur us pe criticism aaya, to us cheez ko wo Rima Umar ne bhi highlight kiya, aur Rima Umar ke highlight karne ke baad us pe ek review, judicial review file ho gaya. Acha, Supreme Court ka jab koi decision aata hai to uske baad aap appeal mein nahi jate balki aap judicial review mein jate hain. To judicial review file ho gaya, aur judicial review ke jo pass hone ke jo chances hote hain, that is around 1% or maybe even less than that. To judicial review file hua, aur uske baad us pressure ki wajah se jo utna civil society se pressure aaya hamare judicial branch ke upar, aur particularly social media ki through jo pressure aaya hamare judicial branch ke upar, to usme unhone us decision ko jisme unhone likha tha ki Imdad Ali is a patient of schizophrenia and schizophrenia is not a mental disorder, us decision ko unhone review kiya, aur Imdad Ali ki jo death sentence tha usko bhi unhone rok diya. तो मैंने इस चीज को आर्ग्यू किया था अपने ऐसे में उस हेडिंग के अंडर में. अब आप मुझे बताएं कि कितने लोग होंगे हमारे जिन्होंने इस तरह के स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए होंगे ऐसे में. तो इस तरह के स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको देने होते हैं कि आपको कभी किसी चीज को कहीं से उठा के कहीं रिलेट करना होता है, कभी किसी चीज को कहीं से उठा के कहीं रिलेट करना होता है. तो इसलिए ऐसे इज एन आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यू हैव टू मेक ऐसे आउट ऑफ नथिंग. मीन्स के एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज को यहाँ पे इन्वेस्ट करके और अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करके और ऐसे अटेम्प्ट करना होता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखें कि यूजुअली हम इंग्लिश ऐसे को एक थीसिस के वर्क से मिक्सअप करके चले जाते हैं. अब जैसे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दो जिन्होंने पिछले कुछ सालों में जेंडर इनइक्वालिटी के एसेज पे लिखा था, उनका जेंडर स्टडीज भी था उनका, तो उन्होंने जो जेंडर स्टडीज वाले आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा लिख दिए थे उस ऐसे में कि वो इंग्लिश ऐसे नहीं लग रहा था बल्कि वो एक थीसिस का वर्क लग रहा था, एक ऐसा वर्क लग रहा था जो कि एक सब्जेक्ट का वर्क लग रहा है. तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके आर्ग्यूमेंट्स एक वेल स्ट्रक्चर्ड, एक वेल मैनर्ड वे में आप एग्जामिनर को प्रेजेंट करें विद अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट. उसके बाद तीसरी चीज, ये दो चीजें मैंने आपको बताई कि लैंग्वेज स्पेशलाइज्ड आइडियाज क्या होते हैं, वो मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी किया, और आपको जनरलाइज्ड आइडियाज नहीं लिखने. अब तीसरी चीज जो एक कैंडिडेट को अपने ऐसे के हवाले से करनी चाहिए और जिसकी वजह से उसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, एंड दैट इज तीसरी चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं, और वो है एक आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप लिखना. अब क्या होता है आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप, क्या होता है? अब देखिए मैं आपको इस चीज को समझाऊं कि यूजुअली क्या होता है कि हम जब ऐसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो ऐसे में हम स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, और स्टोरी टेलिंग इज नॉट समथिंग के जिसमें आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा. अब अगर आप एग्जामिनर सिलेबस देखें, अगर हम सीएसएस के इंग्लिश ऐसे के पेपर का एक मिनट दे, मैं सिलेबस निकाल के आपको पढ़ के दिखाऊं. आप लोगों में से यकीनन आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे का सिलेबस नहीं देखा होगा, बाकी तो आपने सारे देखे होंगे लेकिन इंग्लिश ऐसे का सिलेबस आप लोगों ने नहीं देखा होगा. तो मैं आपको इंग्लिश ऐसे का सिलेबस दिखाता हूँ जिसमें एग्जामिनर ने क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जामिनर किस चीज को ज्यादा अवॉर्ड करेगा. अब एग्जामिनर अपने सिलेबस में लिखता है, एक मिनट खुल जाए, कहाँ गया सिलेबस, हाँ जी, एग्जामिनर कहता है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर एसे इन इंग्लिश, अ वाइड चॉइसेस ऑफ टॉपिक विल बी गिवन,
Candidates are expected to reflect comprehensive and research based knowledge on a selected topic. अब ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई, जनरलाइज आइडियाज और स्पेशलाइज आइडियाज। उसके बाद अब वो कहता है कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। ठीक, और एक और चीज भी है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आप ऐसे के किसी भी पेपर में अगर देखें, ऐसे के किसी भी पेपर में देखें कि ऐसे के पेपर में वो जब लिखता है या ऐसे का पेपर जब वो आपको देता है, तो उसमें वो क्लियरली आपको लिख के बता देता है कि, मैं आपको फिर पढ़ के सुनाता हूं, I should have taken it out. एक मिनट। Give me a moment, please. देखें, अब वो कहता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, जिसमें वो कहता है एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नैरेशन। अब हम आर्ग्यूमेंटेशन को बिल्कुल भी ओवरलुक कर जाते हैं, नैरेशन हम वैसे ही नहीं लिख रहे होते और डिस्कोशन को भी हम नहीं कर रहे होते, तो हम एक स्टोरी राइटिंग स्टाइल में लिख रहे होते हैं ऐसे को। अब स्टोरी टेलिंग या स्टोरी राइटिंग तरीकेकार क्या होता है कि हम एक सिंपल वे में लिख रहे होते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी का ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, और इस तरह पास में भी इस तरह से हुआ है, फ्यूचर में भी इस तरह से होता है, हम उसको आर्ग्यू नहीं कर रहे होते। अब आर्ग्यू किस तरह से करते हैं? आर्ग्यू इस तरह से करते हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी का कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो हम उस आर्ग्यूमेंट को डेवलप करें। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के हवाले से जो हर्डल है पाकिस्तान में, वो है एक तरह से, एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टीज और नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमारी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो ही नॉन डेमोक्रेटिक हैं नेचर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह उसमें आ जाएंगी। तो हम अब अपना आर्ग्यूमेंट, अब स्टोरी राइटिंग स्टाइल क्या होगा कि उसमें आप सिंपल लिख दें कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ही नॉन डेमोक्रेटिक हैं नेचर में, उनका खुद इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह से आप उसको लिख के खत्म कर दें। लेकिन आर्ग्यूमेंटेशन क्या होती है, आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल क्या होता है, उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें आप सिर्फ ना ये बातें लिखेंगे कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे अडॉप्ट नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड दे डोंट हैव डेमोक्रेटिक नेचर विद इन देयर पार्टीज, और वो खुद इलेक्शंस में बिलीव नहीं करते, वो खुद इलेक्शन नहीं करवाते, तो वो चीज आप जब लिखेंगे तो आगे आप उससे आर्ग्यू भी करेंगे। देखिए, मैं जब आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं आपको समझाने के साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, मैं आपको जो है वो एक आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ आपके साथ। अब आप पेपर में भी इसी तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप उसको लिखने के बाद एग्जामिनर से ही इनडायरेक्टली सवाल पूछ रहे होते हैं, डोंट मतलब कि डज नॉट इट शो दैट द नॉन डेमोक्रेटिक attitude or the non-democratic behavior of our political parties have become a stumbling block in the democratic evolution of Pakistan. Phir aap full stop leke phir aage likhte hain certainly yes. Is tarah se aap isko argue kar rahe hote hain. Means ki your every paragraph should contain an argument which should be substantiated by an example or some facts and figures. To ye jo argumentative style hai, इसको भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से भी आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश ऐसे में। ठीक, अब आप ये ज्यादा जाहिर सी बातें आपको ये हो रहा होगा कि ये सारी बातें मैं बता तो रहा हूँ लेकिन ये होगा किस तरह से, देखिए होगा ही ऐसे ही, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंटली लिखना पड़ेगा और किसी क्वालिफायर से चेक भी करवाना होगा। इस तरह से मेरे बताने से यकीनन आप लोगों को कुछ चीज़ों का हेल्प मिल रही होगी, कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ डेवलप ऐसे ही होगी कि आप उस चीज़ को समझेंगे, उस चीज़ को लिखेंगे, बार बार लिखेंगे और बार बार इवेल्यूएट कराएंगे, तभी ही आपको फ़ायदा होगा इससे। क्लियर। उसके बाद जो
नेक्स्ट बात है जिसकी वजह से एक कैंडिडेट के फेल होने के चांसेस इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत कम हो जाते हैं, और ऐसे अटेम्प्ट करने के बाद उसके फेल होने के चांसेस में बतदरीज कमी आ जाती है. दैट इज योर वे ऑफ अटेम्प्टिंग एंड कंक्लूडिंग एन एसे. अब यूजुअली क्या होता है कि हम हमेशा सेमी कॉलन और कॉल के ऐसे के बीच में आ रहा होता है, उससे चीजों को हम मिक्सअप कर जाते हैं कि बेसिकली के ऐसे की जो डिमांड है वो आइदर राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है. हमेशा याद रखें कि कॉलन के बाद जो कॉलन से पहली जो चीज होती है उस पे हमेशा हमारा जो रेशियो होता है दैट इज अराउंड 20%. आप उस पे 20% और जो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट या मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है ऐसे का जिसपे आपको लिखना होता है दैट इज द अदर वन. अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2018 के ऐसे का, द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, उसमें आपको 20% जो है वो पहले पार्ट में लिखना था. आपको सिर्फ उसको एक नॉर्मल वे में अराउंड 2 पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट एक्चुअली दी इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इज, इससे मुराद क्या है. उसके बाद आपका जो एंटायर फोकस होगा दैट विल बी ऑन द अदर पार्ट व्हिच इज दी प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. आई बिलीव अगर आप 10 प्रॉस्पेक्ट्स दे दें उसको, 10 प्रॉब्लम्स दे दें, इट इज मोर देन इनफ. इट इज आपको जो है वो बहुत अच्छे नंबर्स दिलाने के लिए इट इज मोर देन इनफ. सो मेरे दिमाग में कुछ यही चीजें थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी एज फार एज एन एसे इज कंसर्न. बाकी अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो आप यकीनन पूछ लें. ऑल दो वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग, लेकिन अगर कुछ सवालात हैं आप लोगों के तो यकीनन आप पूछ लें, वरना हम इसको एंड करते हैं. बिकॉज आई बिलीव कि ये वो चीजें हैं जो कि आप समझ भी गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसको फायदा तभी होगा आपसे जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे. तो कि सवाल हैं आप लोगों के? नो क्वेश्चंस. असलान आर यू लिसनिंग? अच्छा जी, फिर आपके कुछ सवालात भी नहीं हैं तो वी आर एंडिंग दिस सेशन. एंड आई बिलीव दैट यू गाइस फाउंड इट हेल्पफुल. थैंक यू.